चाचू कब बनूंगा मैं? वी आर बेस्ट फ्रेंड नाउ चौधरी। ठीक है। अरे ये मेरी गुड़िया है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। ऐसे खड़ी हुई है, आज घुमाने लेके जा रहा हूँ, उसके बाद भी हालात है। देखो इसको अजीब सा हो रहा है, इतने दिनों से सूट साड़ी पहन रही है ना, तो अब जीन्स पैंट पहन के ऐसा लग रहा है, कह रही मैं अजीब सी लग रही हूँ। फाइनली आफ्टर फ्यू डेज वी आर गोइंग आउटसाइड। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। हम जा रहे हैं मूवी देखने, एक मूवी है हनुमान, जिसका शो था हमारा 3:50 का और हो चुके हैं 4:10। हम ऑलरेडी लेट हैं ड्यू टू हर। पता नहीं मुझे आजी, मैं गाइस मैं ऐसी रहती थी क्या शादी से पहले ऐसे कपड़ों, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सो कोई नहीं, इसको जैसा भी लग रहा है मूवी देखने जा रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं अपने हनीमून का, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वैसे हमारी प्रायोरिटी वाली पहाड़ी तक हुआ है सोच रहे हैं। वैसे हमारी प्रायोरिटी जो है वो है, सब बता दोगे क्या? नहीं बताना। हाँ। So guys, अभी मूवी देखने चलते हैं। मॉल में हम पहुंच चुके हैं। शुंदी जी जैकेट बंद कर लो, ठंड हो रही है। मैं अपने आप को फील कराने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहन ली। रुकी, अरे यार हमारी तो लिफ्ट ऊपर नीचे हो जा रही है, बाग में खड़े वेट कर रहे हैं। 4:10 से हो चुके हैं 4:30। हाँ, किसकी वजह से हुए? फाइनली हम पहुंच गए हैं मूवी देखने के लिए, बड़ी मशक्कत करके पागल हो जाती है। अब इसको चिली चीज टोस्ट खाना है पहले यहाँ पर। आई हेट चीज पॉपकॉर्न, और इसलिए हर बार चीज पॉपकॉर्न लेता, और ही हेट्स चिली चीज टोस्ट, इसलिए मैं हर बार चिली चीज टोस्ट लेती हूँ। रक्षा कीजिए। अर्जुन के रथ के ध्वज चिन्ह बनकर जो गर्जे, कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। क्या मूवी थी, मजा आ गया। तो मतलब जितनी खुशी कल 22 जनवरी की हुई थी ना, आज उतनी खुशी उस मूवी को देख के हुई। कल आना चाहिए था, बल्कि हम कल सही प्लान कर रहे थे कल आने का, बट भाई मस्ट वॉच। जिसने नहीं देखी वो जरूर जाना, जरूर। मतलब ये मूवी तो मस्ट वॉच है भाई, बहुत अच्छी मूवी है हनुमान, और इसका नया पार्ट भी आएगा भी 2025 में, बट ये देखना ना भूले। के घरों में आ गए, उनके बेड सरका दिए पूरे, भी चाची जी देखेंगे इसका ना बुरा हाल करेंगे, और आयुष जैसे बेड सरका रहा है मैं भी ऐसी सरकाती हूं। हाय बाय, हाय बाय। क्या रहा बुला, कभी कोई अपने घर में मत बुलाना तुषार को, वरना ये करेगा। आर चौधरी बेचारे का कमरा उजाड़ दिया, आके अच्छा खासा बैठा था, वो सोच रहा होगा मैं क्यों लाया इस आदमी को ऊपर। So, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए कूड़े की दाल लेने। हमने डस्टबिन लिया एक, और एक एसी हमारे दादी के घर पे रखा हुआ था। हम गाड़ी में नहीं चल रहे, हम ट्रक में चल रहे हैं। और किसी को कुछ भरना है, सामान कहीं पहुंचाना है तो बता दो हमें। 400 रुपए गाड़ी लेती है श्रुति। श्रुति का नया बिजनेस है ये। ट्रक चलाती हूँ मैं यार, ये बुरा मान रही है बार बार कि गाड़ी में तो सामान रख लिया। अरे गाड़ी ट्रैकिंग पे जानी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सामान कैरी कर लेते हैं, लेके जाने का 1000 रुपए लेता टेम्पो वाला आता, समझा भाई। हमने एसी रख लिया और कूड़े की बाल्टी रख ली, कूड़े की बाल्टी की वजह से एसी दिख नहीं रहा है। गलत और सोचें, कूड़े की बाल्टी नहीं है गाइस, एक्चुअली भी हमने नई बाल्टी खरीदी है। श्रुति को ना वो जो बाल्टी रखी थी पसंद नहीं आ रही थी। कांग्रेचुलेट अस, हमने नई कूड़े की बाल्टी खरीदी अपने घर के। तो मैं बताने भूल गया, अभी हम जा रहे हैं डीसी चौक कुछ खाना खाने, मोमोज खाने। जाम शादी से पहले मिला करते बहुत मिला करते थे, बट लोग कई लोगों को हमारे पता चल गया, इसलिए हम वहां से गायब हो गए।
तो अब हम जा रहे हैं वहीं पर और आराम से मोमोज खाएंगे, गरम गरम मोमोज मेरे हाथ में आ जाओ। हम आ गए फैब मोमोज, सबसे फेवरेट मोमोज है मेरे यहाँ के, मोमोज एक नंबर मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली में सबसे अच्छा टेस्ट है भाई का, खा के देखना। डीसी चौक आ रहे हो सेक्टर 9 सॉरी सेक्टर 13 तो खा के जरूर देखना। तो जाने के बाद क्यों, मैंने यार चटनी थोड़ी सी गिरा दी, मतलब गिर गई मुझसे। मैं उधर से मोमोज लेके आया श्रुति, श्रुति और पच चटनी नीचे। अब मैं श्रुति के लिए ले आया हूँ थोड़े से मोमोज और वहाँ पर मैंने इसके लिए रखा है स्ट्रॉबेरी शेक। ठीक है, बहुत अच्छा शेक है भाई, टेस्टी है ना। क्या हो गया भाई, क्या चाहिए? मोमोज तो है नहीं, और क्या चाहिए? पैसा। पैसा क्या करेगा पैसे का? मोमोज खरीद के खाएगा। अरे कुछ घर पे ले जा अपने। क्या दे दूं? तू तो थार, डिमांड ही बढ़िया भाई। थार तो हमें, हमारे पास नहीं है, थार मांग रहा है भाई फिर से, 20 लाख रुपए की गाड़ी मांग रहा है, बहुत बढ़िया। सो आफ्टर ईटिंग मोमोज, एक बाइट बचा है, मैंने भी खा लिया है, अब चलते हैं घर। अब बारी है Q&A की, जो कि आपने क्वेश्चंस पूछे हैं श्रुति के इंस्टा हैंडल पे, उसका हम रिप्लाई करेंगे बैठ के आराम से। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते आप वैसे, तो पूरा अंत तक देखना, सबके जवाब मिलेंगे जो जो अच्छे होंगे। बंद कर दो डस्टबिन आ रहा पीछे, बंद कर दो, घर पे मिलते हैं। श्रुति आपके लिए पेस्ट्री और गोलगप्पे लाया हूं। मुझे पता ही था मेरा पति कुछ ना कुछ लाया होगा मेरे लिए। पागल मत हो जा रहा, खाली हाथ नहीं आता मेरा पति। सॉरी मेरे पति, मेरे पति। लोग मुझे कमेंट में बहुत ज्यादा बोलते हैं आप ऐसे क्यों बात करते हो तुषार से, बट दे डोंट नो वी आर बेस्ट फ्रेंड ना। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि घर जाएंगे तो Q&A बनाएंगे, बैठ जाओ ऐसे अच्छा लग रहा। तो हाँ बहुत सारे हैं, रुक जाओ, मैं चाचू कब बनूंगा मैं अक्षत भाई? इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम शादी तो कर लो, फिर उसके बाद हम चाचू बन जाएंगे। वो चाचू बनेगा, आप क्यों चाचू बनोगे? लाओ दिखाओ ना यार, हनीमून पर नहीं गए? अभी जाएंगे फेब के मिड में। ओके, यू बोथ आर स्वीट एंड लवली, सीरियसली शिवी थैंक यू। What is your skincare routine? Skincare routine मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, अगर आपको दोबारा से चाहिए तो मैं अलग से बनाऊंगी एक वीडियो, क्योंकि ये बोर हो जाएगा इस टाइम पे। Skincare routine जिस दिन इसने बना दिया ना, फिर ये चैनल चल नहीं पाएगा इतना, मेरे को ऐसा लगता है। गोबर से मेकअप करती है ना क्योंकि। ब्यूटीफुल कपल नजर ना लगे किसी की। थैंक यू, थैंक्स टू गुरु जी। आपसे मिलना पॉसिबल है क्या? यार मैंने आपको लाइव में, इंस्टाग्राम लाइव पे जब हम आए थे, मैंने बताया था कि हम मिलेंगे, मीटअप करेंगे, बट जब हमारे 500 के कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, देन उसके बाद मीटअप करेंगे जब अच्छे। वैसे कल इसने 1 मिलियन बोला था, बट 1 मिलियन इज टू फार, घटा दिया हमने रास्ता छोटा कर दिया। ओके, आप ईस्ट दिल्ली में कहाँ रहते हो? हम ईस्ट दिल्ली में रहते ही नहीं है, हम ईस्ट दिल्ली में मेरी बुआ रहती है, वहाँ मिलने गए थे उनसे। आप लोग जिम क्यों नहीं जा रहे, ये मैं भी पूछना चाहती हूँ उससे। जिम अभी हम जाएंगे जब हम दोबारा से मोटे हो जाएंगे, कल से चले जाएंगे। सुबह कल से जल्दी उठूंगा मैं गाइस 6 बजे, फिर हम जिम जाएंगे। आपकी जैसी फ्यूचर वाइफ कहाँ मिलेगी? पश्चिम बिहार। ओके, फिर से स्किन केयर रूटीन के 4-5 क्वेश्चन मैं अवॉइड कर रही हूँ। चलो स्किन केयर रूटीन की बनवा देता हूँ एक वीडियो। हाँ, इसके साथ बनाऊंगी, मेरे ऊपर करेगी और... जितना भी केयर है वो स्किन केयर होके वीडियो बदल जाएगी, मेरी केयर करेगी। ठीक है बेबी, ठीक है। मनमोहक दृश्य दी, आपने कभी अपने पापा को शो नहीं किया, ससुर जी को भी शो नहीं किया व्लॉग्स में, उन लोगों को भी दिखाओ, और ऑलिव की कौन तो, सी ब्रीड है? सुनो मेरी बात, ऑलिव की ब्रीड है पिटबुल, और जो ये पूछ रहे ससुर जी और पापा को शो नहीं करा, तो दैट मींस आपने व्लॉग पुराने नहीं देखे हैं, क्योंकि हमने दोनों को शो कराया और ढंग से बता के कराया, ये मेरे ससुर जी, ये मेरे पापा जी इसने, और हाँ। मैं एडिटिंग करता हूँ, ये भी एडिटिंग करती है, तो पता चल जाता है कि हमने शो कराया ढंग से। और हाँ, बस एक पॉइंट ये कि ऑब्वियसली हम उनको पूरे डे रूटीन वाले व्लॉग्स में नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली सारा दिन हमारे तरह घर में नहीं पड़े रहते, किस दिन कैमरा हमारे सर पे ही आएगा भाई। तो इसलिए, और उसके बाद है लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू, प्रैंक ऑन तुषार बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। प्रैंक ऑन तुषार तो शायद नहीं हो पाएगा आजीवन कभी, बट प्रैंक ऑन श्रुति जरूर हो जाएगा। आपकी कहीं मेरे बर्थडे पे ना कर दे, आपकी रियल नंद कौन सी है? मेरी रियल नंद दो है, नंद दोनों ही रियल है। अच्छा, मेरी बहन नंद हो दो बहनें हैं मेरी, एक नताशा, एक महक जो की बड़ी वाली सिस्टर है मेरी महक, और छोटी वाली है नताशा। ओके, आपसे मिलना है दोनों से, कहाँ होगा? सेम अगेन,
फिर भाई बहुत स्किन केयर क्वेश्चंस हैं यार। तुषार मैंने okay. देखा कुछ तुषार आई लव यू सॉरी श्रुति जोकिंग जस्ट अदरवाइज यू बोथ लुक गुड जस्ट बिकॉज थैंक यू मेरे भाई थैंक यू मेरी हर्ष की किस किस्म का थैंक यू भाई कहाँ से आ रही थैंक यू ब्लशिंग में से आ रहा है थैंक यू वैसे किसी लड़की ने आशी ने में आशी आई लव यू माय सिस्टर श्रुति हाँ मुझे योर लाइफ गॉट चेंज्ड आफ्टर शादी एंड आप क्या क्या काम करते हो देखो मैं बताता हूँ लाइफ कोई चेंज नहीं हुई वहाँ अपने घर पे भी काम नहीं कर पाती थी इसकी मम्मी इसको इसकी मम्मी इसको बहुत मारती थी अब यहाँ पर ये कुछ काम करती ही नहीं क्योंकि इसका हुक्म मेरे पे चलता है ये सारा काम मुझसे कराती है रोटी झाड़ू पोछा सब कुछ यार वो सच मान लेते हैं तो झूठ माने ही ना इस बात को सच मान लिया वो मुझे फिर बोलते हैं बाद में यार हमारी गुड़िया भी छोटी है हाथ पिघल गए तो यार आपने अपने लव स्टोरी वाले वीडियो में ये तो बताया नहीं कि कास्ट अलग है का घर पे पता चला क्या रिएक्शन थे तब यार कोई मतलब ऐसे हार्श रिएक्शन नहीं थे नॉर्मल रिएक्शन थे बट उनको ये था कि इंटरकास्ट मैरिज हमारे लोग क्या बोलेंगे क्या है क्या नहीं फिर उनका कहना ये था कि हम अपने बच्चों के साथ हैं लोगों का काम तो है बोलना तो फिर हम वो भी इस चीज़ को एग्री करे और उन्होंने हमारा सपोर्ट करा बहुत सपोर्ट करा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को देखो ज़्यादा मना करते तो हो सकता हम साथ ना होते बट हमने कन्विंस करने की कोशिश करी तो वो मान गए ज़्यादा मना करते तो हम साथ नहीं होते हाँ, मैं तो नहीं भागता अपना घर आप अपने हनीमून पर कहाँ जाओगे हम अपने हनीमून पे जाएंगे वहां पर बता दूं वहीं पर जब जाएंगे बता देंगे बट मतलब हम स्टेट से बाहर नहीं जा रहे स्टेट में ही हैं यू बोथ लुक्स लाइक मेड फॉर ईच अदर थैंक यू आप एक मिनट हाँ श्रुति को श्रुति मैम आपको क्या किचन का काम पहले से आता था लाइक कुकिंग फूड स्पेशलिटी श्रुति को सारा किचन का काम आता है जैसे कि बातें बनाना हलवा में करछी घुमाना कोई खाना बना रहा हो तो उसमें हाथ लगाना नहीं नहीं श्रुति बहुत अच्छी रबड़ी बनाती है श्रुति बहुत अच्छी चाय बनाती है श्रुति बहुत अच्छे परांठे बनाती है श्रुति बहुत अच्छी रबड़ी बनाती है रबड़ी दो बात बोला है तो और कुछ रिप्लेस करो पराठा रोटी हाँ मतलब रोटी गोल बनाती है पराठा पराठा चकोर बनाती है डायमंड डायमंड कट सब्जी सब्जी में अभी तक मैंने खाई नहीं कुछ यू बोथ सीम टू बी मेड फॉर ईच अदर एंड योर जोड़ी इज लाइक अ इंस्पिरेशन आई विश यू बोथ ऑलवेज रिमेन हैप्पी थैंक यू सो मच ये कहकर आप कोहार्ट एंक्लेव के पास रहते हो आप बताओगे किस जगह रहते हो नहीं हम कोहार्ट एंक्लेव से थोड़ा सा दूर रहते हैं वन सजेशन पोस्ट द व्लॉग द नेक्स्ट डे यू शूट इट दिस विल गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या बोला इन इंग्लिश She said कि आप जो व्लॉग बनाते हो उसको अगले दिन पोस्ट किया करो मतलब एक व्लॉग एडवांस में रेडी रखा करो ताकि आपको दिक्कत ना हो पोस्ट करने में हाँ थैंक यू फॉर द सजेशन ये बहुत जरूरी था आपने हमारी भावनाओं को समझा आई लव यू क्या हो गया लड़की थी अच्छा तो बहन वाला प्यार था आई लव यू डबल व्हाट श्रुतिज हाइट श्रुति हाइट है घोड़ा हाइट 5'8" तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो ओके प्लान अ बेबी अरे यार बस करो आप कोशिश नहीं मत करो तुषार भाई ने कौन सी पूजा करी थी आप मिली उनको मैंने कोई पूजा नहीं करी थी शायद मैंने पूजा करी ही नहीं इसलिए मिली प्लीज पोस्ट सम मोर वेडिंग क्लिप्स ठीक है अभी आने वाली है हमारे जो वीडियोग्राफर्स है ना उन्होंने भेजी नहीं है उनको आप मैसेज करो डीएम भरो कि तुषार भैया की मैसेज उनके फोटोज और वीडियोज उनको दे दो जय गुरु जी श्रुति दी आपने हाफ चूड़ा क्यों पहना है यू आर नॉट अ चूड़ा लवर आई एम अ बिगेस्ट चूड़ा लवर मैंने हाफ इसलिए पहना है क्योंकि जो मेरा चूड़ा था वो बिल्कुल यहाँ तक था और मतलब मेरे को कुछ भी काम करने में ना वो आगे वाला कड़ा बहुत बड़ा था तो ऐसे भी नहीं हो रहा था मेरा हाथ लिटरली ऐसे मैंने कुछ दिन तक तो ट्राई किया एक हफ्ते तक शायद पर फिर मैंने इससे पूछ के ही उतारा है और मतलब मम्मी जैसे पूछ के ही थोड़ा सा कम किया है बट मैं ये वाली अभी बढ़ा रही हूँ बढ़ाने का सोच रही हूँ बैंगल्स रेड वाली हाँ तो बस इतनी इतनी सफाई जैसे झाड़ू पोछा क्योंकि मेरा क्वेश्चन था इग्नोर तुषार फॉर 24 आवर्स स्टार्ट्स नाउ कर सकती हो कर सकती हो चलो फिर मैं चले ही जाता हूँ तुझ थोड़े 30 मिनट के व्लॉग बनाया करो प्लीज 30 मिनट के व्लॉग में करूँ क्या इस लेडीज के साथ मैं इस लेडीज के साथ लेडीज चेंज होनी चाहिए लेडीज तो यू एंड तुषार एज डिफरेंस चार
तीन साल आई एम 23 ही यू आर 26 तीन साल हो गया ना तीन साल हैं श्रुति हर बात पे ऐसा करती है मैं कान में खुजली हो रही है बहुत तेज लव फ्रॉम बांग्लादेश लव फ्रॉम बांग्लादेश व्लॉग टाइम थोड़ा जल्दी करो यार इससे जल्दी क्या करें मतलब एक दिन में चार चार डालूं यार बर्थडे मंथ चलो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में चार चार की और लेटेस्ट है अभी ऐसा भी नहीं है कि पुराने वाला है पता नहीं स्लो हो गया स्पीड उसकी कैसा लग रहा आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा लग रहा है हमारे खर्चे आधे हो गए गाइस आधे बहुत खर्चा होता था हमारा कन्विंस चार्जेस लगते थे अब वो थोड़े से कम हो गए और बेड भी आधा हो गया बिल्ड योर न्यू लाइफ टुगेदर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी बप्पा ब्लेस यू थैंक यू कभी एज डिफरेंस कभी मेरठ आओ मेरठ आओ हां मेरठ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं मैं आया हूं दी मैंने जब से आपको फॉलो किया है तब से पूरे दिन आपके ही व्लॉग्स रील देखती रहती हूं रिपीट कर करके Love you. इतनी मोहिनी आप दोनों ने मुझे मोह लिया है यू गाइज आर लिटरली माई फेवरेट जोड़ी थैंक यू सो मच थैंक यू और यू लिव सेपरेट फ्रॉम योर मदर एंड फादर इन लॉ बिगेस्ट मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन यार मेरी मम्मी अभी किचन में ही है मेरे पापा दुकान पे है हाँ, अब अलग कैसे हो गए यार हाँ. रात को अब वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं रात के 11 बजे उनके मुंह पे कैमरा और लाइट को लेके घुस नहीं सकता मैंने इमेजिन कर लिया लाइट लेके मुंह पे पापा जी व्लॉग बनाना हनीमून व्लॉग बनाएंगे हम जल्दी हनीमून पे जाने वाले हैं फैब में जाएंगे श्रुति का बर्थडे है सब तैयारी रखना श्रुति के लिए सरप्राइज गिफ्ट्स भेजना 13 फैब को श्रुति का बर्थडे है 14th को क्या है वाल्मीकि जयंती कौन सी जयंती सॉरी 14th को क्या है क्या है वैलेंटाइन पता नहीं मैं क्वेश्चंस पढ़ वैलेंटाइन तो श्रुति को अच्छे अच्छे गिफ्ट भेज देना ब्लेसिंग्स भेज देना वही काफी है हाउ मच प्रीति मैम चार्ज्ड फॉर मेकअप ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं बट शी इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट यू कैन गो फॉर इट वो यार टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग वो सब चार्जेस ऊपर नीचे होते हैं आपको क्या मेकअप चाहिए कौन सा आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग होता है रोहिणी विद सेक्टर रोहिणी में मैं रहता ही नहीं ओके जस्टिस फॉर तुषार ब्रो बिकॉज ही हैज लेस फॉलोअर्स देन यू व्हाई भाई ये रीजन पता क्या है लड़कों के हमेशा कम होते हैं लड़कियों के हमेशा ही ज्यादा होते हैं यार द रीजन इज जब मैं तुषार से मिली थी उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स 50 प्लस थे और तुषार के आई थिंक 12 के थे तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ना बढ़ने में उसी रेशियो के साथ बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस तो होगा भाई देख रहा हूं मेरे को कितनी सुननी पड़ रही है इस लेडीज की आपको मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने ही पड़ेंगे इसके बेहतर गिराओ मेरे बढ़ाओ मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा मैं बस अगर मेरे भाई मेरी बहने मेरी क्रश मुझसे मेरे को देखना चाहती है ना तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो सिर्फ मेरे बढ़ा दो भाई इसके ही बढ़ा दो जय गुरुजी कैन यू प्लीज टेल योर हेयर केयर एंड स्किन केयर जल्दी बनेगा फर्स्ट टाइम कब मिले थे आप फर्स्ट टाइम मिले थे हम 2022 में वो उस दिन बारिश का मौसम था और तारीख थी 7 और महीना था मार्च का और मेरे को याद है जहाँ तक कि बादल गरज रहे थे और ये वो उस पे विरांडा करके कैफे पंजाबी बाग में वहां पर बरस रही थी पिंक सूट पहन के हिल रही थी मैंने पहनी थी काली शर्ट काली पैंट चेक शर्ट पिंक वाली वो जो तेरी मम्मी को पसंद यही सुनना चाहता था कि तुझे याद है ये नहीं जय गुरुजी वांट टू लिसन गुरुजी सत्संग फ्रॉम यू गाइस हाँ तो जय गुरुजी गुरुजी का देखो सत्संग मैं इससे मिला ये एक सत्संग है मैं एक दिन बैठा होता नॉर्मली और बहुत परेशान था मेरी लाइफ में हर चीज़ ना दूर जा रही थी मुझसे चाहे मेरे फ्रेंड्स हो बिजनेस हो कुछ भी हो सब कुछ अलग होता जा रहा था तो एकदम से क्या हुआ मैं रात को बैठा गुरुजी के पास और मैंने बोला मुझसे सहन नहीं हो रहा ये सब आप मेरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो तो अभी करो वरना मैं आपको कभी मानूंगा नहीं मैं नेक्स्ट डे उठा और ऐसी सब कुछ बदलता चला गया मैंने एक फ्रेंड को लव स्टोरी व्लॉग देखना लव स्टोरी व्लॉग देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ उसमें क्या हुआ कि मैंने अगले दिन उठा जिम से निकला और जिम करके निकला और एक रेंडम मेरी फ्रेंड थी मेगा उसको मैंने नॉर्मली मैसेज कर दिया वो कौन से कैफे में बैठी थी मतलब कहाँ बैठी है मैं मिलने चला गया और ये वहां गया मैं वहां शूट करा रही थी फ्रेंड के साथ बैठी थी भाई ये बिल्ली है मेरी बात काटती है आपको इस बात का आंसर चाहिए ना
तो आप मेरा लव स्टोरी वाला ब्लॉग देख लो, उसमें मैंने प्रॉपर इमोशनली सब कुछ लिखा हुआ है, बताया हुआ है। ये मेरे को धोखेबाज गुरुजी इज द रीजन जिनके थ्रू हम मिले थे, ये सच है। यस और यस यही सच है। ये लास्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था लास्ट, और भी बाकी क्वेश्चंस थे सबको, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस थे, तो सबके हमने जवाब नहीं दिए, मतलब जवाब सबके दिए बट वो इनडायरेक्टली मिली गए उनको। सो गाइज आपसे बहुत दिल से कहना चाहूंगा, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अपने पति की एक दो लोग तो शायद नए जुड़े होंगे, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग व्लॉग बनाती हूँ, डेली व्लॉगिंग में यार रियलिटी ही दिखेगी आपको, फेकनेस तो कर नहीं सकते, तो मैं बोलती हूँ पति उठो, तो मतलब लोग मेरे को इतना ज्यादा वो करते हैं कि आप कितने बदतमीजी से बात करते हो अपने पति से। वो तो आप करती हो, इसमें कोई बात नहीं है ना, आपको मेरे से बोलना चाहिए आराम से, तुषार उठ जाओ, ऐसे बोलो, चलो मेरा नाम मत लो, बेबी उठ जाओ, ऐसे बोलना चाहिए ना। ये तो मेरे को भी गलत लगता है, कभी कभी आपने नोटिस करा होगा मैं मुंह फेर के पलट जाता हूँ, क्या आप ऐसे मत बोला करो मुझसे, आप सही हो, आप सही कह रहे हो, ठीक है। अरे ये मेरी गुड़िया है, ये मेरे को जैसे ही बोल ले यार, हम खुश हैं ऐसे ही, ये मेरे को गाली भी बक देती है, मैं सुन लेता हूँ, ये गाली भी बक देती है मुझे पता, सुन लेता हूँ जी बेबी। देखो जबरदस्ती किस बात की। सो गाइज लव यू, थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमने थोड़ा सा मांगा था आपने तो बहुत दे दिया, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी आप बहुत सारा प्यार देते रहोगे। लव यू, थैंक यू सो मच, जय गुरुजी, शुक्राना।